खाद की किल्लत को लेकर किसान महासंघ के किसान कार्यकर्ताओं के द्वारा करहगर बाजार में जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व महासंघ के सचिव कमेश्वर सिंह ने किया। वहीं किसानों ने कहा कि खाद की किल्लत के साथ साथ खाद की काली बाजारी एवं सरकार के मूल्य दामों से अधिक में बेची जा रही है। यूरिया खाद की सरकारी कीमत 266 रुपए है, वहीं खाद डीलर एवं दुकानदारों द्वारा 400 में बेची जा रही है। वहीं किसानों ने कहा कि पहले से ज्यादा खाद की काली बाजारी शुरू हो गई है, पूरे जिले में इस तरह की महामारी बनी हुई है। वहीं साथ ही साथ किसानों ने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि कृषि पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं अन्य अधिकारियों के कहने पर ही खाद की दाम बढ़ाकर मार्केट में बेची जा रही है, जिसको लेकर आज जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार का पुतला दहन किया गया। एक तरफ जहां जिले में जिला अधिकारी अच्छे कामों के लिए जाने जा रहे हैं, वहीं करहगर बाजार में किसान उन पर आक्रोश जताया है। आइए सुनते हैं किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर क्या कुछ कहा है। ये हमारे यहाँ यहाँ की जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी द्वारा यह बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन के बावजूद भी यहाँ यूरिया 266 की जगह 400 रुपये बिक रहा है, खुले बाजारों में बिक रहा है। इसकी शिकायत किसानों द्वारा जब किया जाता है, इन जिला पदाधिकारी द्वारा, इनके DM द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और मजबूर में किसान जो है 400 रुपये से अधिक दामों में यह खाद खरीदने में मजबूर है। इसलिए हम वहाँ पूरा दहन किया गया है और इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा नाम कामेश्वर जी। आज हम लोग DM रोहतास जी, DM पदाधिकारी का हम लोग पुतला दहन किए हैं, और इसके साथ में DO का भी, जो आज किसानों का खाद बहुत किल्लत से मिल रहा है, खाद का कालाबाजारी हो रहा है। आज DM पदाधिकारी और DO मिल करके सारे खाद एजेंसियों से घूस ले रहे हैं, और वो घूस लेने के वजह में एजेंसी वालों को महंगा पड़ रहा है, और वो महंगा पड़ने की वजह से किसानों का महंगा पड़ रहा है। अगर सारे एजेंसी वाला खाद को रोक दे, कह दे कि हम खाद नहीं लेंगे, अपना डीलरशिप नहीं लेंगे, तो DM का औकात नहीं है और DO का कि खाद मंगा करके किसान को खाद बांट दे। इसलिए DM और DO दोनों एजेंसियों से घूस लेकर के किसानों को खाद को महंगा करवा रहे हैं। आज हम लोगों ने रोहतास DM घुसखोर पदाधिकारी का, हम धर्मेंद्र कुमार का पुतला फूके हैं, और आने वाले समय में पुतला फूकते रहेंगे। हमारा मांग है कि किसानों का खाद जल्द से जल्द सस्ता किया जाए। 260 रुपया का खाद खरीद करके हम लोगों ने 400 रुपया में खरीद रहे हैं। डीलर कह रहा है कि हम लोग क्या करें, DM घुस ले रहा है, DO घुस ले रहा है, हम लोग क्या करें। जनता का पैसा DM अपने पॉकेट में डाल रहा है। देखिए आज का इकट्ठी नहीं है, 260 रुपये खाद का उठाव करके 266 रुपये की दर से बिक्री करने में हम लोग असमर्थ हैं। क्यों? यही नहीं, DM साहब जिलाधिकारी आज खिरियाम पंचायत में करेंगे रात्रि विश्राम करने के अवध में वहाँ के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, BDO, CEO उस गांव के अगल बगल के सारे चीज़ों को ठीक कर देते हैं, और जा करके DM विश्राम करते पूछते हैं कि क्या हुआ, सब लोग ठीक है। वहाँ के लोग कहते हैं कि खास हर माह DM हमारे गाँव में आते, इसी तरह से जल नल जल योजना, बिजली विभाग और खाद के किल्लत से हम लोग परेशान जो है, हम मांग करते हैं। लेकिन DM सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ है। हम मांग करते हैं DM से कि हमारा खाद, किसानों का खाद 266 रुपया में मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग DM का पुतला दहन और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ये हमारा मांग है। आपका नाम? हमारा नाम हुआ कमलेश सिंह, कोचस प्रखंड अध्यक्ष, किसान महासंघ, ग्राम सारो से।